और पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत ले आया, यानी सारे इनके ऑफिसर सब लोगों ऊपर बैठा दिया। और उसके बाद वो हुकूमतें, ये जो केयरटेकर है इसका काम था इलेक्शन करवाना, वो केयरटेकर इलेक्शन की बात ना करें, हमें जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का वाहिद इदारा का काम है कि तशरीह करे आइन की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया 4 अप्रैल को कि जनाब पंजाब की हुकूमत, पंजाब में इलेक्शन होंगे 14 मई को। हमने तैयारी करनी शुरू कर दी, हमने जिस दिन तैयारी करनी, हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन अनाउंस करनी थी, तो इन्होंने आके हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारे ऊपर पंजाब पुलिस ने, जो जब जिले शाह को इन्होंने तशद्दुद करके कत्ल किया, तो हम तो अपनी इलेक्शन कैंपेन पर निकले हुए थे जो कि अनाउंस हो चुकी थी। इन्होंने सुबह को वो दफा 144 लगाए, जो लगा ही नहीं सकते एक दफा इलेक्शन अनाउंस हो जाए, और हमारे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, हमारे पे केसेस कर